नौजवान साथियों, पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उनका सिर्फ एक एजेंडा है और वो ये एजेंडा कि पाकिस्तान के अंदर कोई हकीकी लीडरशिप ना उभरे। मोहतरम साथियों, पाकिस्तान का अलमिया ये रहा कि एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को बनाती रही, सियासी जमातों को खड़ी करती रही और फिर अवाम को कहती रही कि आप इनसे उम्मीद रखें कि आपके हालात बदलेंगे। और ये तो बूटों वालों की खिदमतों के लिए आते हैं, ये तो इस निज़ाम को पालने के लिए आते हैं, ये तो यहाँ से लूट कसूट करके सारा सरमाया, आपके मेहनत कश का सरमाया उठा के बाहर ले जाते हैं। ये वो निज़ाम है कि जिसने 75 साल में वो जुडिशरी खड़ी की कि जिसको हमारे ये साथियों ने, जिसमें यहाँ सिंधु बैठा है, जिसमें हम जैसे कारकुन थे कि जिन्होंने एक तहरीक चलाई जो बिलाशुबा पूरी दुनिया की एक वर्किंग क्लास की कामयाब तहरीक थी, लेकिन आपकी एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों ने उन लोगों को बाहर में खड़ा किया कि वकीलों के अंदर मुजामत खत्म करने की कोशिश की। आप ये देख लें कि आज कोई जज जो ईमानदार होता है, जो ईमानदार होता है, उसको जुडिशरी में नहीं रहने दिया जाता। आप देख लें कि वकार सेठ जैसा दलेर जज जिसने कहा था कि मुशर्रफ की लाश को सड़कों पे घसीटो, जो एक सोशलिस्ट रुझानात रखता था, उसको कोरोना, हमें नहीं पता चला। उनके वकील हामिद खान साहब ने कहा कि उनकी जो वफात है हमें उस पर शकूक और शुबात है। तो ये आपके जुडिशरी है कि दुनिया की 124वें नंबर पे, 130वें में से 128वें नंबर पे, और अगर आप इनकी तनख्वाहों और इनकी प्रिविलेजेस की बात करें तो दुनिया की 5वीं 6वीं अमीर जुडिशरी है। तो ये हालात है आपके मुल्क में ये 75 सालों में। और आज अभी मेरे साथी बात कर रहे थे, एक वो जो इस्लामाबाद में जुलूस जा रहे हैं, मैं जितनी बूट से नफरत करती हूँ उतनी वो नफरत मैं विरासती सियासत से करती हूँ। क्यों? हमारे बच्चों में जो हमारे मेहनत कश और नजरियाती सियासी जमातों के साथी हैं, क्या उनके बच्चे इस काबिल नहीं कि सियासी पार्टियों की क्यादत कर सके? हमने उन सियासी साम्राज्य पार्टियों का क्या करना है कि जिसमें हम नसर दल नसर, नसल दल नसल उन लोगों के गुलाम रहे कि जिनकी कोई जद्दोजहद नहीं है? हम क्यों इनके बच्चों की महकूमियत करें? मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के बानियों को, फरूक तारिक को, मेरे बाकी साथियों को मैं सलाम पेश करती हूँ, फरक सोहेल गोंदी जिन्होंने हमेशा अपने कलम से, अपने कलम से तहरीकों का साथ दिया, अमली तौर पे साथ दिया। मैं हिना जिलानी साहब हैं, मेरे बाकी दो साथी सीनियर जिधर हैं जिन्होंने औरत की आवाज़ को बुलंद किया। मोहतरम साथियों, आखिर में मैं एक बात कहूँगी कि सियासी तहरीक आप लोगों का इकट्ठ, यही आपके मसाइल का हल है। एनजीओ भी आपकी मदद कर सकती हैं, हम जैसे बाकी साथी भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक सियासी तहरीक नहीं उभरेगी जो मजदूर की बात करेगी, जो किसान की बात करेगी, जो मेहनत का शोहरत की बात करेगी, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। और हमारी औरतें, मौजे तुंग ने कहा था कि औरत मर्द के बराबर है, हम औरत की बराबरी पर ईमान की हद तक यकीन रखते हैं। उसने कहा था कि औरत ने आधा आसमान सर पे उठाया हुआ है। पाकिस्तान की मुशियत के अंदर मजदूर और मेहनत का शौरत का बहुत किरदार है। मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। और आखिर में एक नारे के साथ मैं इजाजत चाहूंगी, इनकलाबो 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 इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाबो 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 इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुर्ख सलाम।